नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। CPCT स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही है और 10 दिनों से कम का समय हमारे पास बचा हुआ है। यदि 26 को किसी का पेपर हो तो एडमिट कार्ड्स एक दो दिन में आने वाले हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम पे से अपना जो फोकस है वो कहाँ करना है, हमारी स्टडी पे करना है। आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, आपकी CPCT निकलना निश्चित है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम MS वर्ड की तरफ चलेंगे और MS वर्ड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम उनको क्लैरिफाई करते जाएंगे। हो सकता है MS वर्ड में 2 से 3 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन आपको अच्छे से MS वर्ड पढ़ना है क्योंकि MS वर्ड से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से ही पूछा जाता है, स्पेशली MS वर्ड से। तो जो टॉपिक्स है वो आप ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। फर्स्ट टॉपिक MS वर्ड के वर्जन्स, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखे हैं। सेकंड ऑप्शन मेन्यूस, स्पेशली फाइल एंड एडिट मेन्यू। ठीक, थर्ड ऑप्शन IMP टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे। थर्ड ऑप्शन इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेबल, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। ठीक, 3 चीजें इंसर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कभी कभी और कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, लेकिन ये मोस्ट 3, ये जो 3 है ये IMP ज्यादा है। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा पेज सेटअप के बाद मेलिंग्स, मेल मर्ज, मैक्रो, हाइपरलिंक, शॉर्टकट कीज, मोस्ट IMP टॉपिक शॉर्टकट कीज, एक या दो शॉर्टकट की हमेशा पूछी जाती है, मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अलाइनमेंट, मोस्ट IMP है अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई। जहां से डाटा मिले, जैसा डाटा मिले, वीडियो मिले, ऑडियो मिले, आपको लिखा हुआ मिले, टेक्स्ट मिले, कहीं से भी आपको इन सब चीजों के बारे में मिले, आपको अच्छे से पढ़ना है। अलाइनमेंट के बाद और जो पूछा जा सकता है वो है वाटरमार्क, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग के अलावा फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक, इसके अलावा बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। और जो नंबरिंग होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा फुट नोट, एंड नोट, स्पेशली रेफरेंस मेन्यू जो है वो बहुत कम लोग अच्छे से सीख पाते हैं, पसंद कर पाते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन अभी अभी लेटेस्ट पूछे जाने लगे हैं।
तो यहाँ पे पिछली बार जो पूछा गया था एक क्वेश्चन मैंने देखा है, लास्ट वाला जो अगस्त का पेपर गया है उसके अंदर, इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, इंसर्ट साइटेशन या इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन कौन से टैब में उपलब्ध होता है? तो रेफरेंस टैब में होता है, ठीक है। इसलिए जो रेयर मेन्यू है वो आपको देखने हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है। रेफरेंस मेन्यू के अंदर होता है टेबल ऑफ कंटेंट, एंड नोट फुट नोट होता है, ठीक। इसके अलावा साइटेशन होता है, बिब्लियोग्राफी, ठीक। इसके अलावा मार्क और क्रॉस रेफरेंस। इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती है और इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन भी होता है। टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा ही टेबल ऑफ फिगर्स ऑप्शन भी इसमें होता है, और स्पेशली क्रॉस रेफरेंस के आधार पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रेफरेंस मेन्यू में भी और इंसर्ट मेन्यू में भी पाया जाता है, वो है क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, दोनों मेन्यूज में होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्यूज इन वर्ड, ठीक है, डिफरेंट व्यूज है, 5 तरह के व्यू होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे केसेस, एमएस वर्ड में केस कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा ड्रॉप कैप एंड वर्ड रैप। जनरली मुझे इतनी ही चीजें याद आ रही है अभी, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है, इसलिए आपको एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जो जो चीज़ें आती है वो सब आपको ध्यान में होनी चाहिए। बुकमार्क क्या होता है, हेडर फुटर हमसे छूट गया है लिखने में, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वर्ड में से अच्छे से याद करनी है, रटनी है, घोल कर पीनी है, जैसा आप समझें। सीपीसीटी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, स्पेशली शॉर्टकट की, अलाइनमेंट और स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। सभी मेन्यूज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से मेन्यू में क्या चीज़ आ रही है। रिव्यू मेन्यू में भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसलिए रिव्यू मेन्यू से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। स्पेलिंग ग्रामर है, थीसॉरस है, इसके अलावा वर्ड काउंट ऑप्शन है, कमेंट ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, ट्रैक चेंजेस है, ठीक। तो इन सब के बारे में हम एमएस वर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक से ज़्यादा वीडियो बन सकता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि सारे वीडियो देखें, ठीक। यहाँ पे फाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस है वो कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम फाइल मेन्यू के ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड क्लोज। 2003 से लगा के 2007 तक के सभी वर्जन और 2013, 16, 21 तक के सभी वर्जन में ये सारे ऑप्शंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इनकी शॉर्टकट की भी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। फाइल मेन्यू के अलावा जो ऑप्शन एडिट मेन्यू में आते हैं वो आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल, ठीक। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो एमएस वर्ड में इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखें जैसे चाहें वैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।